अज दी इस मुबारक शाम दे लई और उन्हां जिंदगियां दे लई जिन्हां नूं खुदावन खुदा ने बख्शिया कि उहदी हजूरी दे विच आ सकण। हालेलुया। सो असीं उस आयत नूं पढ़ांगे फिर अगे वधांगे। गलातियों दा खत दा पंज अध्याय और उहदी असीं आखरियां जिहड़ियां लाइनां उहनां नूं पढ़ांगे। हालेलुया। एहो जे कमां दे विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं। खुदा का शुक्र करते हैं असीं पिछले काफी हफ्तों तो इस विषय नूं सिख रहे हैं कि आत्मा दी पहचान की है और किवें असीं जाण सकदे हां कि असीं आप भी और सामने वाला जिहड़ा इंसान है कि वह आत्मा दी अगवाई दे विच रूह दी रहनुमाई दे विच चलण वाला भी है कि नहीं। सो सिख्या सी बहुतियां नूं सिर्फ यही भरमिया कि शायद असी अन्य भाषा दे विच प्रार्थना करते हैं तो सानू पवित्र आत्मा मिलिया होया है और अन्य भाषा दे विच प्रार्थना करना ही शायद रूह की अगवाई दे विच चलना है। सो असी यह भी सिख्या सीगा कि असी इस चीज़ नूं भी रद्द नहीं करते कि गैर जबान अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि असी सिख्या सीगा कि संत पालूस ने कहा कि जे अन्य भाषा की गल करो तो तुहाडे विच सब तो ज़्यादा बोलण वाला मैं हाँ। सीधा 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 मतलब है कि वचन की किसी भी गल नूं असी विचों कढ नहीं सकते। सो जो जिवें है उहनूं उसे तरह लैके उहदे विच परमेश्वर समझाउणा की चाहुंदा आ असी उस गल नूं समझांगे जिवें असी सिख्या सीगा पिछले सैटरडे कि बहुत सारे लोग बपतिस्मिया दे उत्ते अड़ गए, बहुत सारे लोग सुन्नत दे उत्ते अड़ गए और यहूदिया ने इबरानी कौम ने सुन्नत भी करवाई लेकिन सुन्नत उन्होंने धर्मी नहीं बना सकी। सुन्नत उन्होंने छुटकारा भी नहीं कर सकी लेकिन हुक्म कहदा सीगा, हुक्म परमेश्वर का सी कि जिन्हें मेरे नाल चलना वो की जरूरी है लहू दे नाल नेम बन्ने। पहला नेम भी लहू दे नाल ते आखरी नेम भी लहू दे नाल। सो दृष्टांत सी ओ सुन्नत आउण वाले नवे नेम का दृष्टांत सी लेकिन उही वचन ने फिर अगे आके समझा दिता सुन्नत तो भाव यह नहीं भी तुसी पवित्र हो गए हो। सुन्नत मतलब यह नहीं कि तुहानू परमेश्वर ने धर्मी रास्तबाज ठहरा दिता है। सुन्नत का मतलब यह है कि परमेश्वर ने जो कहा तुसी कर दिता है लेकिन जे तुसी उन्नू ही धार्मिकता समझ लो तो फिर तुसी गलत फहमी दे विच हो। और यहूदियां दी सब तो वड्डी प्रॉब्लम है जिहड़ी सी ना वो यही रही, वो सोचते कि शायद असी सुन्नत दे नेम नूं मन लिया तो बस हुण सब कुछ ठीक है। उस तरह कही है जिहड़ा मैं दस्या सीगा कि बपतिस्मे उत्ते डिबेट करते रहिंदे यस्सू नाम दे विच बाप बेटे पाक रूह दे नाम दे विच। सो मैं तो इस चीज़ नूं मनदा ही नहीं, जे कोई बपतिस्मे दे विखे मेरे को पुछे तो मैं इहदे विच विश्वास ही नहीं रखदा कि तुसी किहड़े नाम दे विच लिया है। मैं तो इस चीज़ च विश्वास रखदा हां कि वचन दे विच लिखिया तुम्मे से जितनों ने मसीह यस्सू का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह यस्सू को पहन लिया। हालेलुया। मैं तो पहनन नूं मानदा हां, अगर किसी ने यस्सू नाम दे विच ही लिया मैं नहीं उन्हूं कहना तेरा बपतिस्मा गलत है, मैं नहीं कहता।
लेकिन अगर उन्हें यसु मसीह नूं पहन लिया आ बपतिस्मे की जिहड़ी सही परिभाषा आ अगर उन्हें अपने जीवन दे विच उन्हूं अपना लिया आ अगर वह वाकया ही इस संसार दे विच अपने आप नूं मरिया होया समझदा आ अगर वह समझदा आ कि बपतिस्मे की सूरत विच मैं संसार वालों ते संसार मेरी वालों मर गया हुण मेरा बाकी दा जिहड़ा जीवन आ इस संसार दे लई नहीं बल्कि मसीह यसु दे लई है। हालेलुया, उन्हूं मैं बपतिस्मा मानदा आ। यह है बपतिस्मा। सो इहनूं नहीं मैं मानदा कि नाम दे विच आ जां कि करैक्टर दे विच आ, इहनां चीज़ां दे विच मैं जांदा जांदा नहीं। अगर कोई कहिंदा कि बपतिस्मा लिया तो उन्हें अगर अपने आप नूं यसु मसीह दे नाल सलीब दे उत्ते चढ़ाया आ तो बपतिस्मा ठीक है। हालेलुया। तो जे उन्हें चढ़ाया नहीं तो फिर किसी भी नाम दे विच लिया होवे उहदा कोई फायदा उहदा कोई फायदा नहीं। सो उस तरह असीं सिख रहे हैं पाकरू दे विषय दे विच कि पाकरू सिर्फ अन्ने भाषा बोलण दी निशानी नहीं। अगर कोई अन्ने भाषा बोलता तो यह कोई निशानी नहीं। अगर मौज जे अचंभे करामातां भी हुंदियां यह भी पाकरू दी निशानी नहीं। अगर मुर्दे भी जिंदा हुंदे ने यह भी कोई पाकरू दी निशानी नहीं। अगर कोड़ी शुद्ध हुंदे ने यह भी कोई पाकरू दी निशानी नहीं। अगर लंगड़े चलदे बोले सुनदे गुंगे बोलदे आ अन्ने वेखदे आ तो यह भी कोई पाकरू दी निशानी नहीं, क्योंकि इसे वचन दे विच लिख के दिता उस वक्त बथेरे मैनू कहणगे असी तेरा नाम लैके ये सब कुछ नहीं किया। तो प्रभु यसु मसीह कहिंदा मेरे तो दूर हो जाओ मैं तुहानू जाणदा ही। सो इहदा मतलब पाकरू दी पहचान असी इस गल तो भी नहीं कर सकते कि मेरे द्वारा रोज बीमार चंगे हुंदे आ तो मैं समझदा कि मैं पाकरू दी अगवाई दे विच चलण वाला हाँ। मेरे द्वारा अगर रोज मुर्दे जिंदा हुंदे तो मैं समझा कि मैं पाकरू की अगवाई दे विच चलण वाला हाँ। मेरे द्वारा वड्डे वड्डे मौजजे अचंभे हुंदे तो मैं सोचा कि शायद मैं पाकरू दे विच चलण वाला हाँ। इहदे बारे भी वचन ने सावधान कर दिता कि ते इसे भुलेखे दे विच भी ना रहियो। और राती असीं सिख रहे सीगे जिथे खुदावंद खुदा ने पाकरू दिता अपने मनण वाले लोगों नूं ते अपनी अगवाई विच चलण वाले नूं, जिहड़ा चलना चाहुंदा उहनूं उहने पाकरू बख्शिया कि उहदी अगवाई दे विच चले। उत्थे ही उसे परमेश्वर वल्लों एक भरमाउण वाला आत्मा भी बख्शिया गया। जिथे उहने पवित्र आत्मा दिता उत्थे उहने एक भरमाउण वाले आत्मा नूं भी भेजिया। और यह भरमाउण वाला आत्मा उहनां नूं नहीं भेजिया जिन्हां नूं पवित्र आत्मा नहीं मिलिया। भरमाउण वाला आत्मा सिर्फ उहनां उत्ते नहीं आया जिन्हां नूं पवित्र आत्मा नहीं मिलिया, बल्कि उहनां दे उत्ते भी परमेश्वर ने भरमाउण वाले आत्मा नूं भेजिया जिन्हां ने पवित्र आत्मा पाया। और क्यों भेजिया? जिन्हां ने पवित्र आत्मा नूं पाया पर पवित्र आत्मा की अगवाई दे विच चले नहीं, पाया पर चले चले नहीं। असीं सिख्या सी जिन्ने आत्मा की अगवाई दे विच चलदे आ उही आ जिहड़े परमेश्वर की औलाद आ। हालेलुया, उह आ जिहड़े परमेश्वर की औलाद आ। कौन आ? जिहड़े आत्मा की अगवाई दे विच चलदे। हुण मकसद तो यह है भी आत्मा की अगवाई दे विच जिहड़ा चलूगा वह परमेश्वर के घर का वारस है, वह परमेश्वर के घर का अधिकारी है जिहड़ा पाकरू की अगवाई दे विच चलेगा, जिहड़ा पाकरू के कहे अनुसार चलेगा वह खुदा के घर का वारस ठहरेगा। तो जिहड़ा पाकरू की अगवाई दे विच नहीं चलेगा ओ इस जहान दे विच जिड्डे मर्जी मौज जे अचंभे करामातां जो मर्जी करे, जे ओ पाकरू दी अगवाई दे विच नहीं चलदा ओ कदे भी ओदे घर दा वारस हो सकदा। लोकां नूं वचन बड़ा अच्छा लगदा जदों उहनां दीआं इच्छावां दे अनुसार सुनाया जांदा, जदों उहनां दी मर्जी दा वचन उहनां नूं मिलदा उदों उहनां नूं बड़ा चंगा लगता। ठग नूं अगर इदां दा वचन मिल जाए ना कोई गल नहीं, तुसीं ठगी ठुगी करी जाया करो, परमेश्वर अनुग्रह कारी है।
ते ठागो उस चर्च नूं कदे छड्डेगा नहीं, क्यों भला उहनूं पता इत्थे ठगी करन दी परमिशन मिलदी है। इहनें मेरे मतलब दा प्रोग्राम जिहड़ा उह दस्सिया, ते अज कलीसिया जिहड़ी आ उह इही चाहुंदी है सानूं ऐसा चर्च मिले जिथे असीं अपनी मर्जी सारिया जीवन करिए पर वचन सानूं जलील ना करे, वचन अद्धा कुहाड़ा साडे उत्ते चले ना, सानूं ऐसा चर्च। और ऐसा ही फिर उह लभदे भी है जिथे वचन दा कुहाड़ा उहनां उत्ते चले ना, वह जो चाहते हैं उन्होंने मर्जी का होवे। पर इस वचन च संत पलूस ने कहा, कहिंदा जे मैं मनुखां नूं खुश करदा ते परमेश्वर दा दास ना हुंदा। हालेलुया। जे मैं मनुखां नूं खुश करदा ते फिर मैं परमेश्वर दा, सो लानत आ बाइबल दे अनुसार उस सेवक दे उत्ते जिहड़ा मनुखां नूं खुश करन वाला कलाम सुनावे। इस वचन च लिखिया लानत आ, लानती आ मनुख जिहड़ा मनुखां दे चेहरे वेख के, उहनां दी इच्छा वेख के, उहनां दीआं तमन्नावां नूं वेख के वचन सुनावे, वह लानती है, सरापत है। इस लई संत पलूस कहिंदा मैं मनुखां नूं खुश करन वाला वचन सुनाउंदा, बल्कि जो पाक रूह मैनू कहिंदा आ मैं पाक रूह की अगवाई विच चल के उस अनुसार खुदा दे कलाम नूं सुनाउंदा हां। हालेलुया। मैं दस्या सी ना पांच दिन का प्रोग्राम एक साल पहला आत्मा की अगवाई दे नाल रखिया, एक साल पहला तो उहदियां तैयारियां होईयां। वो प्रोग्राम एक दिन चलिया, परमेश्वर ने बहुत जबरदस्त उस प्रोग्राम दे विच काम कीता। उस रात खुदा दा रूह खुदा दे दास नूं कहिंदा हुण इस प्रोग्राम नूं तू अग्गों चलाउणा, जिस प्रोग्राम नूं चलाउण दे लई, जिहदे विच खुदा दी हजूरी नूं मंगण दे लई, जिहदे विच खुदा दे काम नूं होण दे लई बंदिआं ने एक साल कलीसिया ने प्रार्थना कीती, और उह प्रोग्राम कराउण दे लई भी खुदा दे दास नूं खुदा दे रूह ने कहा, और प्रोग्राम होया भी, और रूह ही उहनूं लै के आया, उह साबित होया उस प्रोग्राम दे विच। लेकिन उसे रात खुदा कहिंदा हुण इस प्रोग्राम नूं तूं चलाउणा, ते असीं हुंदे ते भला हाँ जी, असी पता की ये वो दूजे की आवाज है, ये तो कदे हो ही नहीं सकता। जड़ा एक साल पहला खुदा ने दर्शन दिखा के प्रोग्राम रखाया होवे, उस प्रोग्राम दियां खुदा दे लोकां ने प्रार्थनावां रोजे रख के सब कुछ किया होवे, एडा वड्डा अरेंजमेंट किया होवे, इन्नी दुनिया आवे, एडे मौजजे अचंभे करामातां होण, ते खुदा ये कवे कि हुण इस प्रोग्राम नूं छड्ड ते इत्थों चल, ते चल भी किथे जिथे इज्जतदार बंदा जा भी नहीं सकदा, जाना भी किथे भला, छड्डना किहनूं, खुदा दी बंदगी नूं बंद कर ते जा किथे जिथे सिर्फ नंगे लोग है। और बंदा किसी भी कीमत दे उत्ते इस गल नूं मान ही नहीं सकदा भी ये आत्मा दी आवाज होवेगी। ओही आ परमेश्वर की औलाद जिहड़े आत्मा की अगवाई दे विच चलदे है, ओही आ परमेश्वर की औलाद जिहड़े आत्मा की आवाज नूं पहचानदे है। यीशु मसीह कहिंदा मेरियां भेड़ां मेरी आवाज नूं पहचानदियां। हालेलुया। आत्मा पाए हुए बंदे की यह भी पहचान है कि वह असली प्रभु यीशु मसीह की आवाज नूं पहचानदा है। हालेलुया। जे उन्हूं असली मसीह यीशु की आवाज की पहचान नहीं, फिर भी वह भरमाउण वाले रूह दे बस दे विच है। नाल दे सारे सेवक कहिंदे पास्टर साहब तुसी भरमाए गए हो, तुहानूं दूसरा रूह दूसरा आत्मा दूसरा यीशु तुहानूं भरमा रहा है,
एडे वड्डे काम हो रहे हो तुहानू इत्थे नहीं टिकन देना चाहुंदा, तुहानू कढ के लैके जाना चाहुंदा आ, तुसी फिर दुआ करो। उन्होंने फिर दुआ की, खुदा दा रूह कहिंदा नहीं तू इस प्रोग्राम नू छड, ते जिथे तेनू मैं कहना उथे चल। हुण कई बेचारे दुआ करके दे ते इत्थे आके फिर कहिंदे हाँ जी खुदा दा बड़ा शुक्र है जी मैनू सिटीजन मिल गई। किने दवाई मेरे खुदा ने मैनू की दवाती, सिटीजन दवाती। ये तो गवाही असं बड़े जोर दे नाल दिंदे आं। अज रात नूं तुसीं जाओ तो खुदा का रूह तुहानूं कहे छड अमरीका, हाँ जी मेरे अरमाना ते पानी फेरन वाला असली यस्सू हो सकदा पर वचन की लिखिया मेरिया भेड़ा मेरी आवाज नू पहचान दिया, वो कदे किसे पराए दे मगर जान गिया, वो जा ही नहीं सकदिया। क्यों भला? क्योंकि वो ओदियां भेड़ा आ। हालेलुया। भेड़ भेड़ की भी पहचान होनी है, केड़ियां यसु मसीह दियां भेड़ा है ते केड़ियां दूजे यसु दियां भेड़ा है, पहचान है केड़े असली खुशखबरी दे विच है ते केड़े नकली खुशखबरी दे विच, पहचान है केड़े असली आत्मा दे अगवाई दे विच है ते केड़े नकली आत्मा दी अगवाई दे विच है, पहचान है। और इहदे विच लिखिया मसीह यसु दी पहचान दे विच वधदे जाओ। हालेलुया। ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਧਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂ। और असली यसु मसीह की पहचान दे विच बने रहन दे लई ते बनन दे लई बड़ा समा लगता है, ते ओदी पहचान दे विच जान दे लई एक पाली काफी है, एक गलती काफी है, ते सारा आत्मा बुझा दिंदा उस समय एक गलती। मैं दस्या सी राती सेवकाई नू करदिया होया 32 साल हो गए, कोई सुनूगा ना सेवक ते पहला ते उन्हें काफी सारिया मेरे उत्ते लानतां पाउणियां, कहना बड़ा अग्ञानी सेवक सीगा। 32 साल की सेवकाई दे विच इन्हें प्रभु भोज की मीटिंग नहीं चलाई। जबकि वचन च लिखिया मेरी यादगारी दे लई एक करिया करियो। एक कादा सेवक, एक आधा सेवक जिन्हें उस हुक्म नहीं पूरा नहीं किया। तो सवाल उन्होंने लिए है जिन्होंने 32 साल प्रभु भोज की मीटिंग चलाई है। चलानी थोड़ी को मुश्किल गल है, लोग चलाई जाते, लोगों ने तो ऑनलाइन चलाती, कोरोना वायरस दे विच लोगों ने ऑनलाइन चला दित्ती प्रभु भोज की मीटिंग। सब तो वड्डा दुनिया विच जदों पाप होया कदों सी भला? जदों प्रभु भोज की मीटिंग ऑनलाइन शुरू हो गई। तो इन्हां दे दिमाग विच ओह ही सीगा ना जे सुन्नत ना होई ना तो फिर असीं यहूदी नहीं। तो इन्हां दे दिमाग भला की चाहे ना जे असीं प्रभु भोज की मीटिंग च शामिल ना होए तो फिर साडा ना मसीह दे नाल कोई हिस्सा ते ना कोई। गलत करन दे नालों ना करना जड़ा आ वो चंगा आ। गलत करन दे नालों जे डॉक्टर नूं ऑपरेशन करना नहीं ना आउंदा तो एवें ही किसी का हार्ट कट के बाहर ना रख दे। पहला सीखे भी बाहर तो मैं कढ लूंगा, बाजू नूं अंदर फिट करके चलाना भी है। सो प्रभु ने जिहड़े हुक्म दिते ना इन्हां नूं पूरा करना हरेक मसीही दा फर्ज आ, लेकिन हुक्म जिदा दिता है उदा ही पूरा करना है। हालेलुया। जीवन दे विच 3 वार मैं प्रभु भोज की मीटिंग नूं ठुकराया, नहीं लिया प्रभु भोज। देना तो
मैं दस्या भी मैं दिता ही नहीं 32 साल की सेवका च, मैं प्रभु भोज की मीटिंग चलाई नहीं, मेरे ब्रदर चलाते होंगे पास्टर हैरी। लेकिन अगली गल, 3 बार मैं प्रभु भोज लिया नहीं, तो तीजी बारी जी 2 बारी साढ़े अपने इस जमात की गल है, तो तीसरी बारी एक मैं चर्च में जाने का मौका मिले कुछ दिन पहला ही, तो वह बड़े परेशान जे सके, तो जिहड़ा दे रहा सी वह होर ज़्यादा परेशान हो गया भी ये सेवक हो के तो प्रभु भोज लैण तो की कर रहा है, भला इनकार कर रहा है। तो इनकार करने की वजह पता की सी, वह कुप्पी जिच पा के प्रभु भोज मेरे अगे किया जा रहा है। हुण शर्मो शर्मी लै सकदे भी किसी ठोकर ना लगे, पर वचन जी की लिखा मेरिया भेड़ा मेरी आवाज नू, हले लुई है, भेड़ नू पता होना चाहिए आ प्रभु भोज जे लैना आ उहदे लैण दी रीत की है। और प्रभु भोज लैण दे पिछला जिहड़ा परमेश्वर ने जिहड़ा उहदे पिछे एक राज छुपा के रखिया आ उह की है, जे ते उह पता आ फिर उहदे विच शामिल होना चाहिए, जे उह पता नहीं तो फिर शामिल होना नहीं चाहिए। तुहानू पता ना 2 साल पहला पास्टर नहीं आए थे, इत्थे ही प्रभु भोज की मीटिंग चलानी सी, उन्होंने वचन दिता, कलीसिया ने हाथ खड़े कर दिते, कहिंदे जी नहीं असी नहीं लैना, तो लोग तो फटाफट प्रसाद समझ के भज के लेंदे जी, फटाफट सानू दे दिओ, किसी ने नहीं सी लिया, तो जबरदस्ती देना भी नहीं सी बनता। फिर उहदी असी टीचिंग लई पूरी बरीकी दे नाल गहराई दे नाल ताकि साडे को कोई गलती ना होवे, फिर भी हौसला नहीं पिया, पिछले साल फिर आए, फिर दोबारा उन्होंने कहा नहीं, अजे भी साडे मन च कई तरह के सवाल आ, असी नहीं चाहते कोई इदां दा सवाल रह जावे जिहदा करके असी प्रभु की नज़र दे विच दोषी ठहरीए। फिर वो पिछले साल उहदे उत्ते दोबारा दस के गए, तो हुण साल होण नूं आया तो वह सारिया चीज़ों के उत्ते पूरी तरह मनन किया, हर चीज़ की बरीकी नूं समझिया, हुण यह हौसला होया कि असी नवें साल के विच उस प्रभु भोज की मीटिंग नूं चलावांगे। हालेलुया। सो जिन्होंने लैना है वह ध्यान रखियो, जे सेवक ने 32 साल लिया चलाई नहीं ना मीटिंग, तो ये पिछे कोई कारण होगा, तो तुसी हुण जिहड़ा ने लैना आ वह भी ध्यान रख लियो, मोहरे उही आइयो जिहनूं पता होवे मैं करन की जा रहा, उहनूं प्रसाद समझ के ना उहदे विच शरीक होइयो, समझ होनी चाहीदी मैं करन की लगा है। तो नवें साल दे विच असी खुदा ने अगर उहदी प्रभु यीशु मसीह दी अगर आमद दे विच देरी आ, तो खुदा ने अगर सानू ये मौका दिता तो असं नवे साल के इनू जरूर चलावे। हालेलुया। तो इस नवे साल के प्रभु तुहानू कोठियां बंगले कारां बैंक बैलेंस मरैकल मनी सारिया देन जा रहा है। हालेलुया। इदां दीआं गल्लां बड़ियां लोकां नू एकदम उहनां दे चेहरे खिड़ जांदे है ना सुणदिआं सारे, आह कुछ मिलन लगा है ना, ये जिहड़ी मिलन दीआं गल्लां करदे ना इस वचन अनुसार सारियां दूसरे यीशु दीआं गल्लां आ। ते जे तुसी इहो जी जगह ते संगति कर रहे हो ते समझ लो दूसरे यीशु दी संगत कर रहे हो। इस बाइबल दे विच असली यीशु ने देण दी गल कोई नहीं कीती, सिर्फ लैण दी गल ही कीती है। हालेलुया। जिहड़ा हर रोज अपनी सलीब ना चुके वो मेरे योग कदों कदों भला, जिहड़ा हर रोज जिहड़ा अपनी मां अपने प्यो अपनी भैन अपनी धी अपने परिवार नू मेरे नालों वध प्यार करे वो भी मेरे योग, जिहड़ा इस संसार दे नाल प्यार करे वो भी मेरे योग, जिहड़ा सब कुछ दा इनकार ना करे वो भी मेरे योग, वो भी मेरे योग नहीं।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਆ। ਹਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਆ ਜੋ ਇਹ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਬੜੀਆਂ ਆਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਲ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੂਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਬੜੀਆਂ ਆਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਆ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖੱਪ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖਬਰਾਂ ਖੁਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਪੈਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ, ਉੜਨ ਤਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੜਨ ਤਸ਼ਤਰੀਆਂ ਉੜੀਆਂ ਇਹ ਜੀ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਏਲੀਅਨ ਆਏ, ਏਲੀਅਨ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਰੌਲੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੁਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਤਮ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁੱਧ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਛਣਕਣਾ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਛਣਕਣਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੂੰ ਛਣਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਛਣਕਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈਗਾ ਧੀਰਜ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਰ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਬੇਸਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਬੇਸਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਆ ਇਹ ਬੇਸਬਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕੇ ਤੇ ਗਿਣੇ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕੇ,
इन्नी तेरी औलाद होवेगी, औलाद है ही नहीं। औलाद है नहीं, 75 साल का औलाद है नहीं। 24 साल परमेश्वर उन्हूं एहो ही कहिंदा गया, मैं तेनू औलाद दवांगा, मैं तेनू औलाद दवांगा। बथेरे कहिंदे ओ तू किसे गलत बंदे दे मगर लग गया हो, जे उन्हें औलाद देनी होंदी ते हुण तक दे देनी, ते हुण ते तू औलाद दी तमन्ना रखण दे भी योग। तू अपनी उम्र दे पड़ा नूं वेख, अपनी औरत दे बुढ़ापे नूं वेख, हुण तेनू कित्थों औलाद मिलनी है। हुण औलाद वाला काम खत्म, हुण ते ओदा वैसे परमेश्वर दे नाल चलना, ते चली जा वैसे ओदी प्रशंसा करनी है, ते करी जा औलाद वाला काम, भुल जा तेनू औलाद कोई मिलन वाली हुण हुण नहीं। तू अपने शरीर वाल वेख, अपनी औरत दे वाल वेख, कित्थों औलाद मिलूगी, कित्थों। लेकिन अब्राहम बड़े सबर दे नाल उस दिन की इंतजार करता है। हालेलुया। क्यों? उन्हें पता जिन्हें क्या वो कह के मुकरदा। कहण वाला कोई मनुख नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। अगवाई दसी से राती भी तुहानूं दस्सदे, भाई सोता जी हुणे साडे च बैठे है, इन्हां दे केस दे बारे में तुहानूं दस्सिया सी जदों इन्हां ने लाया ना, ते मैनूं जदों इन्हां दस्सिया मैं कहा भी ये बड़ा इंपोसीबल है, क्योंकि इहदे विच जो कुछ उन्हें कहा उहदे लई बड़ा कुछ चाहीदा। ते इह कहिंदे जी हुण जो दूजे शब्द में शॉर्ट समझाना, कहिंदे जी तीर कमान दे विचों निकल चुका है, हुण साडा कोई फैसला नहीं, सब कुछ प्रभु दे उत्ते ही है। की अबला हुण साडा कोई फैसला नहीं, सब कुछ प्रभु दे उत्ते ही आ। ते मैनूं बना सवार के कहिंदे कहिंदे पासी हुण सारियां गल्लां छड्डो, हुण प्रभु ही करूगा, बस तुसीं प्रार्थना कर दिओ। हालेलुया। हुण की करदे हो तुसीं? प्रार्थना कर दिओ। ते मैं जवाब च कहा, मैं कहा इहदे विच कोई दो राय नहीं, ये प्रभु ही करे ते करे, नहीं ते होने वाला। हालेलुया। ते मेरा दस्या सी प्रभु ने जिहदे उत्ते उन्हें भरोसा रखिया सी ना भी करेगा, फिर उन्हें कर भी दिता। राई दे दाने जिन्ना विश्वास होवे ते पहाड़ नूं कह उठ ते जाके समुद्र च डिग पा, ते ओ डिग पऊगा, फिर शक वाला कोई काम रखना रखना नहीं। सो देखते हैं धीरज अब्राहम दा, सबर पूरा, उन्हूं कोई मतलब नहीं मेरी हालत किहो जी हो रही है, उन्हूं ये पता है जिहड़ा मेरे घर तों मैनूं कढ के ते जिथे रखना मेरी औलाद नूं, उन्हें वो जगह भी दिखा दित्ती, ते ओ मेरी औलाद नूं इस देश दे विच लिया के बसावेगा। हालेलुया। वायदिआं दा सच्चा खुदा, लेकिन सबर दे नाल जे बैठांगे ते फिर आ, ते जे सबर दे नाल नहीं बैठांगे ते फिर साडे लई की है भला, फिर साडे लई मुश्किल आ। और असीं वचन पढ़िया कि इहो जिहियां गल्लां दे लई इह उहनां दे खिलाफ कोई शरा कोई शरीयत शरीयत नहीं है। और असीं सिख्या सी ईश्वरीय प्रेम दे बारे विच, इहदी सब तों खासियत की है ईश्वरीय प्रेम, परमेश्वर प्रेम जिहड़ा आ इहदी खासियत की आ, इह सानूं सब तों पहलां सहन शक्ति बख्शदा है। की बख्शदा जी? ईश्वरीय प्रेम जिहदे विच इहदे विच की है भला, सब तों उहदी पहचान की है? उहदे विच सहन शक्ति है। उह बड़े सबर दे नाल बड़े धीरज दे नाल परमेश्वर दे फैसले की उड़ीक करदा है। मैं सबर दे नाल आस रख के खुदा दी करदा सा इंतजारी, सबर दे नाल। ते जिहड़ा सबर दे नाल करदा है ना उही है जिहड़ा परमेश्वर नूं कबूल आ। जिहदे च सबर नहीं उस तों परमेश्वर भी खुश खुश नहीं। एक वचन पढ़ांगे नाल नाल असीं सिखांगे, पहला पत्रस 2 अध्याय उहदी 9 आयत, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। सब तों पहलां जिहड़ा मसीह नूं जिहने अपना जीवन दिता, पहली गल उहने हमेशा एक गल चेते रखनी आ, और उह गल की आ, वचन कहिंदा आ तुसीं की हो भला, बोलो सारे की हो जी, बोलो थोड़ा वधिया ढंग नाल की हो तुसीं। सब्जी दी रेहड़ी तों भी जाके तुसीं कुछ लैण जांदे हो ना, चुण चुण के कढ़दे हो जिहड़ी चीज़ चंगी हुंदी है, ते जिहड़ी
चुनी हुई चीज है ना उन्हू वखरा रखो ते बाकी गंद मंद वखरा ते चुनी हुई चीज गंद मंद तो परे अपनी एक वखरी पहचान दिखाउंदी है। ते वचन की दसदा भला तुसी की हो, बोलो सारे की हो जी, संसार दे गंद तो कढ के परमेश्वर ने चुन चुन के जगह जगह कबीलिया कबीलिया जातां जातां तो धर्मां धर्मां तो मजबां मजबां तो देशां देशां तो प्रांतां प्रांतां तो महल्यां तो गलियां तो कली कली जगह तो इस गंदगी भरी जिंदगी दे विच जी रहे इन्हां लोकां दे विचों परमेश्वर ने चुन चुन के तुहानूं कढ़िया। हालेलुया, किदां कढ़िया भला, चुन चुन के तुहानूं कढ़िया। और जो चुने ना आपां ते चुनदे चंगी चीज, आपां ते वधिया चीज नूं हथ पाउने आ, पर परमेश्वर दा वचन दसदा आ कहिंदा मसीह यसू संसार दे विच पापियां नूं बचाउण लई आया जिहदे विच सब तो वड्डा महापापी। चुनाव वेले हालत किदां दी भला, हरेक नूं मनना पऊगा मैं की सी भला, जदों मेरा चुनाव किया गया मैं सब तो वड्डा महापापी सी, पापी नहीं बल्कि की सीगा महा वड्डा पापी। ते जिन्हें मैनू उत्थों चुकिया ना चुनिया उन्हें अपनी रंगत दे विच रंग के मैनू रखिया। हालेलुया, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह यसू मुझ में जीवत है। हुण मैं नहीं, हुण कौन जीवित है भला, हुण मसीह यसू मेरे विच जीउंदा आ। ते जे मसीह यसू में वह जिहड़ा पहला जीउंदा सी वह नजर आउंदा सी ना, बोलो सारे ने, जिहड़ा पहला साडे विच जीउंदा सी ना वह नजर आउंदा सी जदों असीं चोरी करदे सी, जदों जनाहकारी करदे सी, जदों झूठ बोलदे सी, जदों ठगियां करदे सी, जदों फरेब करदे सी, जदों गंद दे विच रहना पसंद करदे सीगे वह नजर आउंदा सी। ते हुण जदों असीं कहिंदे आ मसीह मुझ में जीवत है, ते फिर जदों उहदे आले सारे अवगुण साडे विच नजर आउंदे सीगे ते हुण फिर इहदे आले सारे गुण भी नजर आउणे। हालेलुया, पहचान की है भला, पवित्र आत्मा पाए हुए दी, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे के साडे इस गंदगी भरे जीवन नूं निखार के सवार के यसू मसीह दे लहू च धो के अपना उन्हें पवित्र मंदिर बनाया। हुण उह आप इस मंदिर दे विच वास करदा आ, ते जिहदे मंदिर दे विच उह वास करदा जिन्हें जिन्हों उन्हें अपना मंदिर बनाया आ उहदे विच हुण कौन वास करदा भला। कहिंदा अब मैं जिंदा ना रहा मसीह यसू मुझ में जीवत है। हुण जिहड़ा जीवत है ना उह नजर आउणा चाहीदा। हालेलुया, जे वह नजर नहीं आता तो फिर समझ लो सीधा सीधा ही है, पहली गल तो नवा जीवन मिलया ही नहीं है। तो एवें ना चा पूरे करी जाया करो, जीवन मिलया मिलया बरकत ठहरी ठहरी आशीष आई, ये पता नहीं केड़ी आई है, मैं तो लभदा हुंदा पर मैनू लभी लभी नहीं, क्योंकि वचन च लिखिया आया जिन्हू नवा जीवन मिलया उन्हें नवे जीवन की राह चलना है। हले लुई है, तो नवे जीवन की राह नू कुलसियों तीन एक दो तीन दे विच लिखिया आ जिन्हें नवे जन्म की राह चलना आ उन्हें उताह दियां चीजा उत्ते, उन्हें अमरीका के वीजे उत्ते मन नहीं लाना, उन्हें ट्रंप की कुर्सी उत्ते मन नहीं लाना, बल्कि कहदे उत्ते भला ट्रंप तो उपर एक बैठा बादशाहां दा बादशाह। हालेलुया, उहदे तो उत्ते बैठा एक बादशाहां दा बादशाह। ते हुण फिर मैं ट्रंप दी सीट उत्ते मन कादे लई लावां जदों मेरा बाप बादशाहां दा बादशाह आ ते मैं उहदा वारस आ। हालेलुया, ते मैं फिर उस चीज दे उत्ते चित लावांगा जिथे मेरा प्रभु विराजमान आ। ते लिखिया उताहां दियां चीजां ते चित लाओ जिथे मसीह यसू पिता दे सज्जे हथ विराजमान है।
ते सानू पास्टर की कही जांदे भला। मैं तीन दिन का रोजा रखिया तो मैं प्रार्थना कर रहा सी, ते मैं खुदा ने दिखाया भाई बलवीर नू बड़ी जल्दी सिटीजनशिप मिलन जा रही। हाँ जी, ये फिर उताहां दी चीजां ते चेती है ना। हाँ जी, खुदा दे पुलपट ते खड़ा हो के एक सेवक कह की रहा भला, जिथे आसमानी गल्लां करनियां, जिथे स्वर्गी गल्लां करनियां, जिथे तीसरे आकाश दियां गल्लां समझाउणियां, उत्थे खड़ा हो के जिहड़ा कहिंदा मैं सेवक ते पागुरू पाया होया, वह इत्थे खड़ा होके गल किहड़ी कर रहा भला। भी तैनू अमरीका की सिटीजन मिलन जा रही है, वह कमलिया ये लिख के दिता तेनू स्वर्ग की सिटीजनशिप मिल चुकी है। हले लुईया, लिख के दिता तेनू स्वर्ग की सिटीजनशिप मिल चुकी है। तो की लिखा है, तुसी की हो भला, तुसी एक चुनिया होया वंश हो। हले लुईया, तो चुनिया होया वंश की लभन दिया भला, ये अमरीका कनेडा के विजय लभी जान दिया बेचारा। ये तो इदा की गल ही है भी एक महलों में रहने वाला बंदा हड्डा रेहड़ी दे जाके घूम दिया आ भी इतों कुछ मैनू मिल जाए। ये फिर बदनसीबी नहीं, तो इस वड्डी कोई गल, इस वड्डी कोई गल नहीं। अगली गल लिखिया, तुसी चुनिया है वंश राज पद अधिकारी हो। आ दुनिया के जिन्ने भी राजे भावें किड्डे भी शक्तिशाली समर्थी होण, एक नवा जन्म पाए हुए बंदे की जुत्ती का तशमा खोलण दे भी ये योग नहीं। उहदे तेज दे सामने इन्हां दा कोई वजूद कोई औकात औकात नहीं। ते जदकि उल्टा असीं देखदे की हां, कई बार साढ़े साइयां नूं ते बीमारी है ना, ये कई बार लीडर नूं बुलाउंदे आ तो जिहड़ी मैनेजमेंट कमेटी होंदी, कई बार पास्टर नूं खड़ा होने लई कहिंदे पास्टर उठी उठी आ गया, आ गया मंत्री, आ गया जल्दी जल्दी उठ जाओ फटाफट जल्दी जल्दी। तो पास्टर नूं पता था मंत्री आया, उन्हें कोई चैक चुक दे के जाना, वह भी फटाफट अपनी कुर्सी छड्ड के, तो कहिंदा आओ जी तुसीं आओ जी इत्थे छेती छेती। है ना, तुसी की हो भला, राज पद अधिकारी, तुसी परमेश्वर दे ठहराए हुए राजे हो। तेरे च लिखिया ताड़ा प्रभु राजां दा राजा है। हले लुईया, तुसी की हो भला, बोलो अपनी वजूद नूं पहला समझो तुसी की हो, बोलो सारे ने की हो भला, तुसी की हो, तुसी राजे हो। इस वचन च लिख के दिता उन्हें की हो भला, उस राज दे राजे हो, जिहड़ा पांच साल लई नहीं आउंदा जां चार साल लई नहीं आउंदा, उस राज दे राजे हो जिहदा कोई अंत ही नहीं गा। इसलिए वचन च लिखिया इस समय दे दुख, इस समय दे कलेश, इस समय दी जिहड़ी सतावट आ, इह उस महिमा दे सामने कुछ भी नहीं है जिहड़ी तुहानू मिलन वाली है। हाले लोई है, ये कुछ भी, ये कुछ भी नहीं जिहड़ी महिमा तुहानू मिलन वाली है। इसलिए लिखिया उहनां नू जदों प्रभु ने दिखा दिता ते उह चाहुंदे सी उहनां दे समें दे विच देखण नू मिले, मिलिया नहीं, पर वह इसे आस दे विच ही सारा जीवन गुजार गए। उन्होंने इस संसार नू अपना समझिया, समझिया नहीं, उन्होंने इस संसार दे विच अपने जीवन नू परदेसी ते मुसाफरां दी तरह कढ के निकल गए। पर अज असी उन्हां दे ही उस जीवन नू मसीह यसू दे नाल नाल कलीसिया नू दसदे हां। ते फिर मैं दस्या सी ना, वह जिहड़े एडिया एडिया कुरबानियां करके निकल गए, अब्राहम वर्गे, दाऊद वर्गे, मूसा नबी वर्गे लोग, यहोशुआ वर्गे योधे लोग, ये जिहड़ी तुहानू परमेश्वर ने महिमा दित्ती, ये जिहड़ा तुसी चुने हुए वंश दे विच परमेश्वर ने तुहानू शामिल कीता, ये जिहड़े राज अधिकारी तुहानू बनाया,
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੜਕਾਹਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਮਰਨਾ ਨਾ ਉਦਣ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੱਡੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਭਲਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਰਾਜਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਾਜਕੋ ਕਾ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਭਲਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ। ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਨੂੰ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਾਜਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਹੂਰਤ ਕਢਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯੱਗ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਧੂਣੀ ਬਾਲੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧੂਣਾ ਬਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁਲਪਟ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਬੋਲੋ ਸਾਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤੇ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜੂੰਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਊ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਸਾਂਭ ਲਊਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਭਲਾ, ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਹੋ। ਜਿਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਜਕ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਜਕ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਾਜਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ ਉਜੜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਸੇ ਚਲਾਊਗਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੀ ਆ ਭਲਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਫਰਜ਼ੰਦ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਔਲਾਦ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਰਾਜ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ,
नंबर तीन तुसी जाजकां दा समाज हो, ते नंबर चार तुसी पवित्र लोग हो। बोलो सारे की हो जी, तुसी की हो? पवित्र लोकां दा समाज, पवित्र मंडली इस संसार दियां बाकी मंडलियां तो अलग नजर आनी चाहिए। एक इत्थे आया सी ते अगले ऐतवार आया नहीं, मैंने पूछा, मैं भाई जी तुसी आए नहीं। वैसे तुहानू पता मैं एक बारी पुछदा हुंदा, दूजी बारी कदी नहीं। तो मैं पूछा, मैं भाई जी तुसी आए नहीं? कहते मैं तुहाडे चर्च जाके कुछ मजा जहा नहीं आया। मैं क्या, अहीं पकौड़े नहीं खिलाए तां करके? नहीं, कहिंदा मैनूं उत्थे लग्गिया ही नहीं कोई तुहाडा, कोई उत्थे ना कोई तुसी गाउंदे सी, ना कोई उत्थे कोई नच्चिया, ना कोई उत्थे शोर शाबा होया। तो उदां ही कहिंदा होर ही तरह मैनूं महसूस होया, तो फिर मेरा कहिंदा दिल नहीं कीता। तो मैं क्या, चंगा होया भी तैनूं आत्मा ने यह प्रेरिया ते तैनूं नहीं आउण दित्ता, क्योंकि इत्थे ते उहो ही आऊगा जिहनूं इस वचन दा ज्ञान होऊगा। तो जिन्हों ज्ञान हो गया वह मरदा मर जू, फिर इतों कितने जाऊगा भी नहीं। हले लुईया, क्योंकि इतने बंदियां नू खुश करने वाला कोई काम नहीं, इतने ते खुदा की मर्जी पूरी होंदी है। ते तुसी की हो? भला पवित्र। बोलो सारे की हो जी? अज एक वीडियो देख रहे थे किसी ने चर्च की, अज ओपनिंग की, मार साड़ियां भैन भी ते भरा भी, मतलब कोई है ना, पूरा उन्होंने जश्न मनाया होया। वो जरा दूसरा रूह ना, वो साडे मन च भला की पाउंदा, नहीं जी असी तो प्रभु दे विच आनंदित हाँ, असी तो प्रभु दे विच मगन होए हाँ, असी तो उहदे विच खुशी मना रहे हैं। इहदे विच ही खुशी मनाउण दा तरीका भी लिख के दिता है। हले लुया, नचना नचनिया दा काम हुंदा है। जिन्हें नवा जन्म पाया उहदे लई इह हुकम, दाऊद नच सकदा है क्योंकि उन्हें नवा जन्म पाया। मूसा की भैन मिरियम नच सकती है क्योंकि उन्हें नवा जन्म पाया नहीं है, लेकिन जिन्हें नवा जन्म पाया है उहदे लई इह नचण टप्पण वाला सारा काम की है, भला खत्म। उहदे लई ते लिखिया, मेरे सच्चे राजक आत्मा दे नाल ते सच्चाई दे नाल, रूह ते सच्चाई दे नाल मेरी इबादत करेंगे। तो जिथे रूह ते सच्चाई है उत्थे ही पवित्रता ही है। ये जीना पा के टॉप स्कर्टा पा के नचना बेहयाई है, मर्दा ते औरतां दा कट्ठे नचना बेहयाई है। पवित्रता ही पवित्रता ही, ये नवे जन्म की निशानी नहीं। पर फिर भी लोग की करते हैं, अपनी गल नूं सही साबित करन दे लई इंसानी बुद्ध दियां दलीलां दे दे के कलीसिया नूं गुमराह करदे आ। साडियां किते अड्डियां थोड़ी दुखदियां, भंगड़ा ते असीं वी दुर्गे रंगीले दे गाणे उत्ते बथेरा पाया होया। लेकिन सानूं पता है हुण असीं की आ भला। बोलो सारे, दोबारा उत्थे आओ फिर दुआ करिए। असी की हैं पहला? चुनिया होया। वो हुण चुने हुए दे विच ते ना चुने हुए विच कोई नजर ते आवे ना अंतर। जे चुनिया होया भी उदां दा बेहया ते ना चुनिया होया भी बेहया, ते फिर फर्क कहदा? कहिंदे लाल भावे कूड़े दे विच भी डिग पवे उहदी कीमत नहीं घटदी, लाल लाल ही हुंदा है। हले लुईया, वो कूड़े दे विच पछाणिया जांदा लाल। उसे तरह तुसी भी इस दुनिया दे कूड़े दे विच पहचाने जाओ, तुसी चुनिया होया वंश हो। हले लुईया, ते जे तुसी कूड़े विच जाके कूड़ा ही हो गए। लाल कूड़े दे विच भी अलग नजर आवे उहदा वंश, संसार दे इस वंश दे विच अलग नजर आउणा चाहिदा। इस करके लिखा, तुसी की हो? चुनिया होया वंश हो, तुसी राज पद अधिकारी हो। ते राजयां दी औलाद नूं पहला यह पता होना चाहिदा है असी उठना बैठना किहो जे लोकां दे विच आ, किवें उठना आ,
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਆ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਚਰਚ ਭਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਭਰੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਣੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਲੋਈ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੇਵਕ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਲੋਕ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਚਨੀਆਂ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਚਨੀਏ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰੋ ਜੀ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ 100 ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਲੇ ਲੋਈ ਆ 100 ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਕੌਣ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾਮੀ ਪਾਸਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਆ ਵੀ ਬਚਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਮੰਨਦੇ ਆ ਲੋਕ ਇਹ ਹੀ ਆ ਸੱਚਾਈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਲੇ ਲੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰੇ ਗਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਲੋਈ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਰਾਜ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਐਵੇਂ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫਲਾਉਣਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਾਜਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਭੇਤ ਰੱਖਿਆ ਆ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਭਲਾ ਸਮਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ
ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਵਗੈਰਾ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਹੀ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਠੰਡ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੁਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗਾਣਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਰੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਛਾੜਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਯਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਕੁ ਜਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਣਾ ਆ ਉਹ ਕੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੂਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਟੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਅਜੀਜੋ, ਇਹ ਕੱਟੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਾਜਕ ਮਹਾਜਾਜਕ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭਰਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਜਾਜਕ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਿੰਨ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ 10 ਕੁ ਘੋੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ 10 ਕੁ ਘੋੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੋਟਾਈ 4 ਇੰਚ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੜਦਾ ਲਿਖਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਫਟਿਆ ਭਲਾ? ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲੇਲੂਇਆ।
उस अति पवित्र स्थान दे विच जिहड़ी पवित्रता ते जिहड़ी उत्थे दे इक परमेश्वर दा भै सी ना, उस जगह दे उत्ते आ के असी किहो जे रहना आ, किहो जे सहना आ, किहो जे बहना आ, सानू सब तो पहला ए सीखना आ। दाऊद नचे गलियां सड़कां दे उत्ते, परमेश्वर नू कोई इतराज नहीं। वह अपनी खुशी मनावे, परमेश्वर नू कोई इतराज नहीं। मिरियम गुलामी तो निकल के आई खुशी मनावे, परमेश्वर नू कोई इतराज नहीं। यही मिरियम होवे भावे यही दाऊद होवे, एदी जुरत नहीं अति पवित्र स्थान दे अंदर वड़ सके। ते वड़ के ना ते नचना ते बड़ी दूर दी गल, वड़ भी नहीं सकदा। और अति पवित्र स्थान दे अंदर सिर्फ ओहो ही जा सकदा जिहड़ा पवित्रताई दे नाल भरपूर है। अगर थोड़ा बहुत भी पाप पाया गया ते गया, ते असी उस अति पवित्र स्थान दे विच पवित्र करके असी आप नहीं होए, असी उस अति पवित्र स्थान दे विच प्रवेश कराउंदे नहीं, परमेश्वर ने अपने प्यारे पुत्र मसीह यसु दे पवित्र लहू दे नाल सानू पवित्र करके उस अति पवित्र स्थान दे विच खड़े होण दा मौका दिता है। ते अति पवित्र स्थान दे विच परमेश्वर दे नाल खड़ के असी सोचदे भला की है, भंगड़ा पाउणा। हुण परमेश्वर इत्थे आ जावे साक्षात प्रचंड अग दे रूप दे विच, ते भंगड़ा पाऊगा ना। हाँ जी, वो पहाड़ दे उत्ते उतरिया सी, काफी दूर ही खड़े कीते लोकी, पया सी भंगड़ा जी। हाँ जी, कहते ये आवाज जे थोड़ी देर साढ़े कन्ना च होर पई तो साडा काम हो जाना ही। इस करके रब दा वासा तू गल करते सानू आके दस दी, अहीं उदे मन लवांगे। इनू असी देख सकदे, ये आवाज असी बर्दाश्त कर सकदे सकदे नहीं। तो मैं समझदा हैरान आ भी बंदे किवें किहो जिहां दलीलां वकीलां दे के सिर्फ अपने अंदर की अभिलाषा नू पूरा करके किहो जिहां गल्लां कह दिंदे ने। सो अपने अखां बंद करदे आ, सिरां चुकाउने आ। अज दे लई इह चार पॉइंट असी सीखे आ, काफ़ी आ। और अगली बारी खुदा ने अगर समा बख्शिया तो इस विषय नू असी अगे सीखांगे। हालेलुया। असी याद रखना हर वेले असी एक चुनिया होया समाज है, असी राज पद अधिकारी हैं, असी जाजकां दी मंडली हैं, और असी पवित्र लोग हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। असी थोड़ी देर अंदर अपनी अपनी जगह पर खड़े होंगे। हालेलुया, पवित्रताई तो बिना कोई उदे लागे नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर शुक्रगुजारी करिए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, तेरी महिमा हो, धन्यवाद धन्यवाद हो, धन्यवाद। ज्ञान घट होवेगा चल जाएगा। असी प्रार्थना बहुत लंबा समा नहीं कर पाते चल जाएगा। असी दान बहुत ज्यादा नहीं देंदे चल जाएगा। असी चर्च के कामों में बहुत ज्यादा योगदान नहीं पाते चल जाएगा। लेकिन याद रखना, पवित्रताई दे विच कोई समझौता नहीं, क्योंकि बिना पवित्रताई तो कोई उदे नजदीक नहीं जा सकता। और पवित्रताई दे विच बने रहन दा सब तो वधिया काम एको ही है कि असी आत्मा दे विच हमेशा भरपूर रहिए। हालेलुया, असी एक भजन गावांगे। अगर ढोलक है तो ठीक है, नहीं तो असी ताड़ियां दे नाल ही मिल के गावांगे। सब नूं आउंदा है, दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक। हालेलुया, और ये भजन बाकी सारे साथ देंगे। जिन्हां नूं लगदा है कि अजे पवित्र आत्मा उन्हां दे अंदर आके उस तरह नहीं उन्हां दे शरीर नूं घर बनाया जिवें कलीसिया नूं बनाया होया, ओ मंग सकदे आ परमेश्वर दे कोलों। हालेलुया, क्योंकि लिखा मंगो ते तुहानूं
दिता जाएगा। हाले लोईया, हाले लोईया, हाले लोईया, हाले लोईया। तेरा शुक्र हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो। हाले लोईया, हाले लोईया। दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक, दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक, एक नया बलियाने दे, दे दे पाक रूपी अग्नि का सेक, पाप मेरे जल जाने दे, दे दे पाक रूपी अग्नि का सेक, पाप मेरे जल जाने दे, दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक, दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक, नई सोच दे, नया जोश दे, नई जुमाया बयाने दे, अब आने दे, नई सोच दे, नया जोश दे, नई जुमाया बयाने दे, तेरी फसल के साथ जो बनती झाड़ियां भी जल जाने दे, नई सोच दे, नया जोश दे, नई जुमाया बयाने दे, तेरी फसल के साथ जो बनती झाड़ियां भी जल जाने दे, रूका कोयला जग वेदी से तू ले, रूका कोयला जग वेदी से तू ले, होठों को मेरे छू जाने दे, दे दे पाक रूपी अग्नि का सेक, पाप मेरे जल जाने दे, दे दे पाक रूपी अग्नि का सेक, पाप मेरे जल जाने दे, दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक, दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक, अपने तालिबों की कुर्बानी आग से ही तू लेता था, तू लेता था, अपने तालिबों की कुर्बानी आग से ही तू लेता था, की है नबियों ने जो दुआएं आग से उतर देता था, अपने तालिबों की कुर्बानी आग से ही तू लेता था, की है नबियों ने जो दुआएं आग से उतर देता था, इंतजार में है तेरे ही हजूर, इंतजार में है तेरे ही हजूर, आग का मसा शाने दे, दे दे पाप रूपी अग्नि का सेक, पाप मेरे जल जाने दे, दे दे पाप रूपी अग्नि का सेक, पाप मेरे जल जाने दे, दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक, 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 एक नया बलियाने दे, दे दे पाक रूपी अग्नि का सेक, पाप मेरे जल जाने दे, दे दे पाक रूपी अग्नि का सेक, पाप मेरे जल जाने दे, दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक, 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 दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक। प्यारे खुदावंद खुदा, एक एक जिंदगी दे लई तेरे शुक्र गुजार हां, जिन्नियां भी जिंदगियां ने तेरे वचन नूं ध्यान लगा के सुनिया खुदावंद, हर जिंदगी दे उत्ते तेरे वड्डे रहम नूं मंग लैने हां, जिन्ने भी लोकां ने प्रार्थना दे लई किया खुदावंद, एक एक जिंदगी नूं तेरे तखत दे अगे लैके आउने खुदावंद, तुसीं हरेक जिंदगी दी हर समस्या तों तकलीफ तों जरूरत तों वाकफ हो और साडे मंगण तों पहलां जाणदे हो खुदावंद, तुहाडे रहम दे विच एक एक जिंदगी नूं छुपा दिंदे आ खुदावंद, और हरेक जिंदगी दे लई तुहाडी नेक इच्छा नूं मंग लैने खुदावंद। हुण जदों कि असीं सारे एक दूसरे तों अलग हो रहे, प्यारे प्रभु तेरा वचन सब नूं संभाले और तेरा आत्मा सब दी अगवाई करे खुदावंद,
और जैसा पवित्रता है तू अपने लोगों के चाहना खुदावंद हरेक जिंदगी दे विच वैसी ही पवित्रता ही नजर आवे। आने वाला समा मसीह यस्सू के नाम के मुबारक हो। साड़ी प्रार्थना सुनो, कबूल करो मसीह यस्सू के नाम के आमीन। हुण साडे खुदावन यस्सू मसीह का फजल, खुदा बाप की मुहब्बत, पाकरू की संगत हुण तो लैके हमेशा तक उहदे तमाम लोगों के नाल बनी रहे। आमीन, हालेलुया। सो खुदा तुहानूं सारिआं नूं बड़ी